शिरडी साईं बाबा भक्तों के अनुभव। जय जय साईं हरि। शिरडी दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थानों में से एक है। दुनिया भर में फैले बाबा के भक्तों ने उनका आशीर्वाद और उनकी महिमा अनेक रूपों में महसूस की है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि बाबा ने अपनी अदृश्य शक्ति को कई रूपों में दर्शाया और समय पर कष्ट दूर किया। अनोखी तथा चमत्कारिक घटनाओं से हमें बाबा की आध्यात्मिक शक्ति का आभास होता है। वे हमेशा अपने भक्तों की सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। कुछ भक्तों के अनुभव यहाँ दिखाए गए हैं। सभी ये मानते हैं कि बाबा एक दैवी शक्ति है जो लोगों की पीड़ा समझ जाते हैं। आपकी प्रार्थना का फल आपको तुरंत मिलता है। खास तौर से बच्चों, उनके स्वास्थ्य तथा उनकी कुशलता के विषय में की गई शिरडी साईं बाबा की प्रार्थना का चमत्कारिक रूप से फल मिलता है। बहुत से माता पिता अपनी फरियाद लेकर शिरडी आते हैं और बाबा की कृपा से नतमस्तक हो जाते हैं। जब मेरी ये बच्ची थी 4 महीने की, डॉक्टरों ने कहा था कि ये बचेगी नहीं, तो मैंने साईं बाबा की मन्नत रखी थी। मैं शिरडी इसीलिए आया हूँ, बाबा के आशीर्वाद से बच्ची सही सलामत है। मेरी बेटी जब 4 महीने की थी तब उसके 2-2 ऑपरेशन हुए, उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। हमने साईं बाबा से मन्नत मांगी कि अगर वो ठीक हो गई तो हम उसके पहले जन्मदिन से पहले उसे शिरडी लाएंगे। हम उसे शिरडी ले गए और बाबा का धन्यवाद किया। साईं बाबा सभी धर्मों से परे हैं। शिरडी साईं बाबा का नाम पूरी दुनिया में फैला हुआ है। शिरडी के साईं बाबा असल में विश्व की महान आध्यात्मिक शक्तियों में से एक हैं। वो समय पर सहायता करते हैं, अपने भक्तों का दिल नहीं दुखाते। बाबा अपने भक्तों में विद्यमान हैं तथा उनके जरिए ही कृपा करते हैं। साईं सच्चरित बाबा के मुख्य सहयोगी श्री धाबोलकर द्वारा लिखी गई है। लेखक ने भक्तों पर समय से की गई बाबा की कृपा की कई घटनाओं का वर्णन किया है। जिस प्रकार बाबा ने पहले श्री नरसिंह स्वामी, फिर बाद में श्री राधा कृष्ण स्वामी के माध्यम से देश भर में अपना संदेश फैलाया, ये मात्र एक संयोग था। ये निश्चित रूप से उनकी दैवी आज्ञा रही होगी। चमत्कार से मुझे बहुत सारे पैसे मिल सकते थे, लेकिन मुझे नहीं चाहिए थे। ईश्वर पिता समान होता है, लोगों में भाईचारा हो, उन्होंने यही सिखाया है और ये महान मंत्र दिया, श्रद्धा सबुरी। सिर्फ बाबा के जैसा आध्यात्मिक महापुरुष ही इस संसार में शांति ला सकता है। साई नाम जपम नित्यम, साई ज्ञानम करोति चेत् कर्मार्थ कामम् अर्थम् सिद्धात्। हुबली के साई भक्त श्री राधा कृष्णन बाबा की समय पर हुई कृपा के बारे में बताना नहीं भूलते। जब वो सालों पहले भूखे प्यासे बिना पैसों के शिरडी में असहाय हो गए थे, मैंने शिरडी के साईं बाबा को इसी तरह द्वारका माई मस्जिद में बैठे हुए देखा था। वो कहते थे कि सभी संत एक हैं और सभी ईश्वर का मार्ग दिखाते हैं, अच्छा बने। बहुत से वरिष्ठ नागरिकों ने बताया कि किस तरह उनके जीवन के कठिन क्षणों में उन्हें बाबा की कृपा प्राप्त हुई। ये 3 बातें उन्होंने कही थी, अच्छे बनो, अच्छे कार्य करो और प्रेम नहीं तो घृणा भी नहीं। मैं इतना प्रभावित हुआ था कि उस खास क्षण शिरडी साईं बाबा की महिमा का विस्तार करने का निश्चय किया। मैंने एक किताब लिखने का निर्णय किया। किताब 1 महीने में पूरी हो गई। ऐसा प्रतीत होता है कि बाबा की कृपा दृष्टि से कमजोर और वृद्ध लोगों में भी अनोखी शक्ति का संचार हो जाता है। मुझे खुशी है कि बाबा ने मुझे चुना है और मैं अपनी क्षमता अनुसार लोगों की सेवा कर सका। हम में से कुछ भक्त गणों ने अखंड साईं नाम सप्त ट्रस्ट की शुरुआत की और बाबा के तारक मंत्र ओम साईं, श्री साईं, जय जय साईं का प्रचार आरम्भ किया और आज भी इस मंत्र को 24 घंटे, 72 घंटे, 108 घंटे और यूं ही लगातार दोहराया जा रहा है। मैं अब 80 साल का हूं और बाबा अब भी मुझे शक्ति देते हैं ताकि मैं उनकी सेवा कर सकूं। साईनाथ महाराज की जय। 1953 से मैं अखिल भारतीय साई सेवा समाज से जुड़ा हुआ हूं। इसके संस्थापक नरसिंह स्वामी साई आंदोलन के प्रमुख स्तंभ हैं।
सन 1936 से सन 1956 तक उन्होंने बाबा की भक्ति का प्रसार करने के लिए भारत के लगभग सभी इलाकों की यात्रा की। हर जगह बाबा की तस्वीर लगाकर लोगों को उनकी सीख और संदेश से अवगत कराया। वो सिर्फ दो सिक्के चाहते थे, श्रद्धा और सबूरी। बाबा केवल यही चाहते थे और मैं जो महसूस करता हूँ वह है बाबा बाबा बाबा। ये सब कुछ मेरे कॉलेज के दिनों से हुआ है। जो भी होता है वो उनकी कृपा से होता है। कुछ ना मिलने पर भी मैं सकारात्मक सोचता हूँ। आई फील बाबा मेरे लिए कुछ अच्छाई करने वाले होंगे, इसीलिए ऐसा हुआ है। मैं जानता हूँ कि ये बाबा का चमत्कार है। वो मेरा सही मार्गदर्शन करेंगे अगर मैं सही हूँ और अगर मेरे भाग्य में लिखा है तो बाबा मेरी मदद जरूर करेंगे। मेरी जिंदगी ऐसे ही चल रही है। ईश्वर और भक्त के बीच का संबंध हमेशा काफी भावुक, अटूट तथा भक्ति में होता है और इसका अनुभव करना एक अलग एहसास है। हाँ, मेरे कुछ अनुभव हुए हैं लेकिन कुछ अनुभवों को बयान नहीं किया जा सकता। असल में अब मैं जो महसूस करता हूँ और जो मैंने लोगों से सुना है उस आधार पर शिरडी साई और उनके भक्तों के बारे में बहुत आश्चर्यजनक संयोग सामने आते हैं। मुझे मालूम था कि मुझे अपने जीवन में कभी न कभी बाबा का मंदिर बनवाना था। जो भी हुआ बस हो गया, होता चला गया सब कुछ। जिन चीजों की मंदिर बनाने के लिए जरूरत थी वो आती चली गई। मुझे नहीं मालूम कैसे और कहां से ये हुआ, लेकिन 4 महीने में मंदिर बनकर तैयार हो गया। मैं तो यही कहूंगा कि यह सब बाबा की कृपा से ही हो सका। बाबा को समर्पित खूबसूरत मंदिरों में बड़े पैमाने पर बाबा की पूजा संभव हो सकी थी, ये उनकी असीम दैवी शक्ति को दर्शाता है। आज भी 70-80% भक्त शिरडी आंध्र प्रदेश से आते हैं। इससे भक्तों के आध्यात्मिक झुकाव का पता चलता है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि शिरडी साईनाथ एक अमर संत है। वो अब भी वहाँ है। आज भी दुनिया भर से हजारों लोग शिरडी आते हैं। अगर सभी धर्मों के लोग किसी एक धार्मिक स्थल पर आते हैं तो वो है शिरडी। बाबा आज भी जीवित हैं। ऐसा न समझे कि वो धरती में समा गए हैं, उनका अस्तित्व तो अब भी है। मैं 1948 में दास गनु से मिला था जब वे ASI इंडिया के साई भक्त सम्मेलन में भाग लेने कोयम्बटूर जा रहे थे। वो बहुत वृद्ध थे। मैं शिरडी में स्वामी साई शरण आनंद से भी मिला। वो बाबा के प्रति बहुत समर्पित थे। वो सन्यासी भी बन गए। बाबा ने स्वयं उन्हें दीक्षा दी। विश्वास, भक्ति और प्रेम के ये 50 साल मैं अपने मालिक के आशीर्वाद से बहुत प्रेरित हूँ। मैं बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि मैं अपने मालिक श्री साई बाबा का प्रिय भक्त हूँ। हमारी हर सोच तथा कार्य के पीछे मैं समझता हूँ मेरे मालिक की कृपा और प्रेरणा ही होती है। एक बार उनका नाम प्रेम एवं भक्ति पूर्वक लिया जाए तो तरह तरह के सुखद अनुभव होते हैं। बाबा से मेरी मुलाकात 1942 में हुई। पूज्य नरसिंह स्वामी जी उस समय वहाँ प्रवचन दे रहे थे कलयुग कामधेनु, कलयुग कल्प वृक्ष तथा बाबा के कलयुग अवतार के विषय में। मैंने मन में सोचा कि अगर बाबा की महिमा ऐसी है तो मुझे फर्स्ट क्लास मिले। मैं परीक्षा के परिणाम की प्रतीक्षा कर रहा था जिससे मेरे करियर का फैसला होना था। 10 दिन के अंदर परिणाम आ गए और मैं पास हुआ था फर्स्ट क्लास में। इस मंदिर का निर्माण भी एक चमत्कार ही था। हमारे पास सिर्फ 75,000 रुपए थे और उस समय मंदिर की अनुमानित लागत थी 20 लाख रुपए, जो कि बड़ी रकम थी। बाबा ने हम सबसे आगे बढ़ने को कहा तथा धन के इंतजाम का भरोसा दिलाया और तभी से किसी काम में कोई समस्या नहीं रही। चमत्कार पर चमत्कार होते गए। रोज एक चमत्कार होता, चमत्कार हर वक्त होने लगे। उन्हें वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। शिरडी साई बाबा ने मेरी जिंदगी के एक नाजुक मोड़ पर अपनी कृपा बरसाई। मैंने बाबा से प्रार्थना करके कहा कि कृपया मुझे ऐसे महात्मा से मिलवाएं जिसे उन्होंने अपने रूप में ढाला हो और जिसमें उनका तेज साफ झलकता हो। इसके तुरंत बाद मिस्टर खेर की स्वामी साई शरण आनंद से मुलाकात हुई। ये बाबा के अंतिम जीवित साथी थे और बाबा के प्रमुख भक्त भी। काफी शोध के पश्चात बाबा के जन्म स्थान पाथरी पर मंदिर बनाने की राह आसान हो गई।
आश्चर्य होता है कि बाबा कैसे सारी लीला रचते हैं और उनके भक्त अपने कर्म हेतु सही दिशा में अग्रसर होते हैं। हम घर में रोज पूजा तथा आरती किया करते थे, बच्चे भी उसमें शामिल होते थे, खासकर तब जब उन्होंने अपना होमवर्क ना किया हो या किसी तरह का कोई गलत काम किया हो। शायद उस समय हमने उनका महत्व महसूस नहीं किया कि वो कितनी महान विभूति थे। आज जब हम पुरानी बातें सोचते हैं तो समझ में आता है कि सबसे बड़ा खजाना जो हमारे पिता ने हमें दिया है वो वास्तविक धन नहीं है, बल्कि बाबा के जैसे महान गुरु हैं जो आज हमारी जिंदगी को नियंत्रित करते हैं। हमारे बच्चे ज्यादा खुशकिस्मत है क्योंकि काफी छोटी उम्र में ही उन्हें शिरडी ले जाया जाता है और वे बाबा के बारे में विस्तार से जान पाते हैं। बाबा निसंदेह एक आध्यात्मिक शक्ति है, पीढ़ी दर पीढ़ी उन पर विश्वास बढ़ता जाता है। हमें बाबा पर इतना भरोसा है कि अच्छे या बुरे वक्त में किसी और की सहायता की जरूरत ही नहीं पड़ती। एक बार उन्होंने अपने भक्त के रूप में स्वीकार लिया तो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी तथा सोच में बदलाव आएगा। आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लोगों से साफ दिल से पेश आएंगे और अगर आप गलत रास्ते पे चल भी पड़े तो एक प्यार भरा हाथ आपकी पीठ थपथपाएगा और इशारा करेगा कि सही रास्ते पे आ जाओ। शिरडी साईं बाबा जी हमारे जीवन में 50 साल पहले आए जब हम बच्चे थे। मेरे पिता उनकी तस्वीर लाए थे और उनसे बहुत प्रभावित थे। वो बाबा की तस्वीर की ओर निहारते हुए उनका ध्यान करने में रुचि लेते थे। बाबा की ओर देखकर उनसे मदद की गुहार करने से मुझे शांति मिलती थी। इससे मन में स्थिरता आई। श्रद्धा और सबूरी एक कारगर संदेश है। मेरे ख्याल से ये जवाब है उसके लिए जिसे मार्गदर्शन और सही जवाब की तलाश हो। मुझे पूरा विश्वास है बाबा पर और उनके चमत्कारों पर। जब मैंने नौकरी ज्वाइन की वो मेरा पहला दिन था। मेरे प्रशासनिक अधिकारी ने मुझे जर्मनी के प्रतिनिधि मंडल को शिरडी के प्रमुख स्थलों पर ले जाने और पवित्र पुस्तक साई सच्चरित की महिमा के विषय में समझाने को कहा। मैं कुछ नहीं जानता था। मैं मंदिर गया और बाबा से प्रार्थना की, बाबा अब आप ही मुझे संभालें। शिरडी साई संस्थान में नए होते हुए भी तथा किसी कार्य के लिए प्रशिक्षित न होते हुए भी मिस्टर शाहने को विदेशी वीआईपी प्रतिनिधि मंडल को घुमाने तथा बाबा की टीचिंग्स के बारे में बताने को कहा गया। उन्हें पूरा विश्वास है कि बाबा की कृपा दृष्टि से ही वो ये सब कर पाए। बाबा ने स्वयं साई सच्चरित में वर्णित सभी कहानियां सुनाई, वो भी मेरे मुख से। ये उनका ही आशीर्वाद था। एक दिन की बात है, बारिश के मौसम में मूसलाधार बारिश हो रही थी। रात के करीब 12:30 बजे किसी ने हमारा दरवाजा खटखटाया और जब मैंने खोला तो देखा कि कुछ अजनबी थे। अंदर आकर उन्होंने कहा, बाहर बहुत जोरों की बारिश हो रही है, बिजली चली गई है और यहाँ के सभी रेस्टोरेंट। फिर काली आंधी भरी आधी रात को जब लाचार भक्त उनके घर खाने की उम्मीद से आए तब उन्हें एक शक्ति का आभास हुआ और सभी भक्तों को भोजन मिल सका, जबकि घर पर खाने की व्यवस्था ठीक से नहीं थी। मेरी पत्नी ने खाना बनाया। सिर्फ 20 मिनट के भीतर ही इन 14 लोगों को खाना परोसा गया। उनके जाने के बाद बचा हुआ खाना उतना ही था जितना की परोसने से पहले था। तभी मैंने महसूस किया कि बाबा ने स्वयं मदद की। जब खाना बन रहा था, मैं बाबा को एक अनोखी शक्ति मानता हूँ। मैं कई बार अनुभव कर चुका हूँ और अन्य लोगों से भी सुना है कि बाबा अपने भक्तों की मुरादें सदा पूरी करते आए हैं जो सच्चे मन से उनकी प्रार्थना करते हैं। मेरे दिमाग में एक बात आई कि अगर मैं 1918 में बाबा के देहांत के समय लक्ष्मीबाई की बगल में खड़ा होता, तब जब बाबा ने उन्हें 9 चांदी के सिक्के दिए तब मुझे भी कम से कम एक सिक्का तो मिल ही जाता। और इस प्रकार उनकी बाबा से एक चांदी का सिक्का पाने की अंदरूनी इच्छा पूरी हो गई। उन्होंने कहा कि भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति ने आपको व्यक्तिगत रूप से देने के लिए यह छोटा सा तोहफा दिया है। जब मैंने तोहफा खोला तो वैसे ही 10
चांदी के सिक्के निकले। मैं चांदी के सिक्के देखकर चौंक गया और मेरी बहुत पुरानी इच्छा इस तरह पूरी हुई। बाबा कहते थे, जिस आदमी की मुझे जरूरत है, चाहे वो सात समुंदर पार भी हो, मैं वहां से यहां तक उसे खींच के लाता हूँ। आज बाबा के दरबार में मुझे बाबा की चारों आरती, बाबा के भजन गाने का, सेवा करने का जो मौका मिला है, जो भी मैं संगीत या भजन गाता हूँ, तो सब बाबा का ही आशीर्वाद मेरे साथ है, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। जब भी मुझको याद करोगे, जब भी मुझको याद करोगे मैं आऊंगा, जब भी मुझको याद करोगे मैं आऊंगा, शिरडी की समाधि में मेरे प्राण बसे हैं, शिरडी की समाधि में मेरे प्राण बसे हैं, शिरडी की समाधि में मेरे प्राण बसे हैं। ये शिरडी साईं बाबा की असली मूर्ति है। इसे मेरे दादाजी ने 1954 में बनाया था और शिरडी साईं बाबा की मूर्ति बनाते वक्त उन्हें कुछ खास अनुभव भी हुए थे। किसी भी मूर्ति को बनाने के लिए प्रोफाइल फोटोग्राफ बहुत महत्वपूर्ण होता है, यहां वो उपलब्ध नहीं था। मेरे दादाजी ने काम शुरू किया, उन्होंने पहले मिट्टी का मॉडल बनाया। उन्हें बाबा के चेहरे के बारे में कुछ अहम बातें जाननी थी और उनकी सही पसंद के बारे में भी। उन्होंने बाबा से प्रार्थना की, अगर आप हमारी सहायता करेंगे तो ये मूर्ति दुनिया में बेमिसाल मूर्ति बन जाएगी। एक दिन वो सुबह 7 बजे स्टूडियो खोलने आ गए। इससे पहले वो लाइट जला पाते, उन्होंने रोशनी की एक चमक देखी और बाबा स्वयं वहां थे। ये वही पवित्र स्थान है जहां बाबा प्रकट हुए थे। मेरे दादाजी ने बाबा का तेजस्वी मुखमंडल देखा। उनके गुरु के आशीर्वाद से उनके सभी संदेह दूर हो चुके थे, गुरु यानी श्री साई बाबा। ऐसे अनुभवों के साथ उन्होंने मूर्ति पर लगातार काम किया। पहले ही नजर में कमिटी के सदस्यों द्वारा मूर्ति पसंद कर ली गई और ये बाबा की असली मूर्ति है और इसी मॉडल से समाधि मंदिर में जो बाबा की मूर्ति है वो बनाई गई थी। मूर्ति को स्थापित करते समय बाबा के सहयोगी स्वामी साईं सरण आनंद, लक्ष्मीबाई तथा अन्य लोग उपस्थित थे। ये लोग मूर्ति देखकर बहुत प्रभावित हुए क्योंकि इन लोगों ने व्यक्तिगत रूप से बाबा को जीवित देखा था। इन लोगों ने मेरे दादाजी से कहा, बाबा इस मूर्ति के रूप में जीवित वापस आ गए और वे बहुत ही ज्यादा खुश थे। मूर्ति को तराशते समय एक बहुत अनोखा चमत्कार हुआ था। बाबा की मूर्ति के इस हिस्से को तराशने पर पत्थर से कुछ अलग तरह की आवाज आ रही थी। जिस हिस्से की मूर्ति में जरूरत नहीं थी वो अपने आप ही गिर गया। बाबा की आखिरी उंगली का हिस्सा अपनी जगह पर लगा हुआ था और ये एक अलग तरह का चमत्कार था। मेरे ख्याल से शिरडी साईं बाबा वहां उपस्थित थे और दादाजी का हथौड़ा उन्हीं की कृपा से चल रहा था और उन्होंने ही ये सब कुछ किया। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्मा श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। 1982 में पुजारी की जगह रिक्त थी और मैं नासिक त्र्यंबकेश्वर में पढ़ाई करता था, सोचा कि यहाँ आ जाए और ऐसा ही मैंने वहाँ अर्जी डाल दिया और मुझे कॉल आ गया। पर मैं यहाँ आने के बाद जब देखता हूँ तो हर कोई किससे को पूछता तो बोले पुजारी बनने के लिए आया है। मैंने कहा कि ये तो बाबा का मेरे जीवन में ये पहला चमत्कार है। हमारे पिताजी की यहाँ आने की इच्छा थी पर किसी वजह से यहाँ वो नहीं पहुँच पाए, तो हमारे पिताजी की पूरी इच्छा करने के लिए भगवान ने उनके बेटे को यानी हमें यहाँ बुलाया। पिताजी ने बहुत मुश्किल से हमें आने जाने का किराया दिया क्योंकि पिताजी हमारे जन्म से नहीं पर ऑपरेशन फेल होने की वजह से अंधे बने थे, तो ऐसी अवस्था में उन्होंने 10 रुपया भी देना मुश्किल था, उन्होंने तो दे दिया। यहाँ आने के बाद हमने सोचा कि हमको यहाँ कौन रखेगा, जिस तरफ देखो वहाँ पुजारी बनने के लिए लोग आए। मैंने बोला कि बाबा को आपने मुझे बुलाया काहे को,
श्री सुलाखे जो बाबा के समाधि मंदिर के मुख्य पुजारी हैं, उनका मानना है कि वे बाबा द्वारा उनके चयन और आशीर्वाद के कारण ही यहाँ हैं। वे एक गरीब परिवार से थे और तमाम कठिनाइयों और मुश्किलों से जूझते हुए वर्षों पहले शिरडी पहुँचे थे। 1982 से मैं यहाँ सदानिम्ब वृक्षस्य मूलाधिवासात् सुधास्रा विनक्तिक्तमप्यप्रियन्तम् तरुम कल्प वृक्षाधिकम साधयन्तम् नमामि ईश्वरम सद्गुरुम साईनाथम। वो हमेशा देते हैं कि वो हमारा कार्य नहीं लगता, वो बाबा का प्रभाव लगता है। आप इसे अब महसूस कर सकते हैं, ये आप तब भी अनुभव कर सकते हैं जब आप कोई कार्य किसी तरीके से करना चाहते हैं और नहीं कर पाते हैं। वो भक्तों के जरिए ही कृपा करते हैं, यहाँ तक कि साईं सच्चरित में वो कहते हैं, मैं तुम्हारे जरिए लिखूंगा, तुम केवल एक माध्यम हो। उसी तरह आज भी वो लोगों के माध्यम से कृपा करते हैं और ऐसा करके आनंद का अनुभव करते हैं। हालांकि मेरे अपने खुद के कई अनुभव रहे हैं, वे बहुत व्यक्तिगत और निजी हैं, जिन्हें बताया नहीं जा सकता। यहाँ एक व्यक्ति है जो आपके शिक्षक और गुरु है, आपकी प्रगति में सहायक, और जब आप एक निश्चित स्थिति में पहुंच जाते हैं तब वो आध्यात्मिक प्रगति हासिल करने के लिए आपका मार्गदर्शन करते हैं। आप महसूस करेंगे कि वो सिर्फ एक गुरु या शिक्षक या मास्टर नहीं, बल्कि उससे आगे भी बहुत कुछ है। एक गुरु से वो भगवान बन जाते हैं, वो एक जीते जागते भगवान है। शिरडी सजाचे लागतील पायो तड़तील अपाय सर्व त्यांचे माझा समाधीची पायरी चढ़ेलो दुख ही हरेल सर्व त्यांचे जरी हे शरीर गेलो मी टाकून तरी मी धावेन भक्ता सासी नवसा समाधी पावेल समाधी धरा दृढ बुद्धि माझा ठाई नित्य मी जीवंतो जाना हे कि सत्यो नित्य घ्या प्रचीत अनुभवे शरण मज आला आणि माया गेला दाखवा दाखवा ऐसा कोणी माझा जो झाला काया वाचा मणी तयाचा मी ऋणी सर्व काळ साई मणे तोची तोची झाला धन्य झाला जो अनन्य माझा पायी।